कोलकाता कांड में 13 दिन से सीबीआई की जांच चल रही, लेकिन सीबीआई के आने से पहले जिस तरह से इस केस में जांच की गई थी उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोल दिया कि ऐसी लापरवाही 30 साल के करियर में नहीं देगी। जबकि ममता बनर्जी तो कोलकाता पुलिस की पीठ थपथपा रही है कि पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर, लेकिन उससे यह फैक्ट नहीं बदल सकता कि इस केस में लापरवाही हुई और लापरवाही की तस्वीर भी अब सामने आ गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। घटना मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुई, यानी सेमिनार हॉल क्राइम सीन था और उसे फौरन सिक्योर करना चाहिए, लेकिन सेमिनार हॉल में जो लापरवाही बरती गई उसकी तस्वीरें आप देखिए। यह वीडियो 9 अगस्त का बताया जा रहा है, जगह आरजी कर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल जहां ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस वीडियो में दर्जनों लोग सेमिनार हॉल के अंदर दिख रहे हैं, इसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी नजर आ रहे हैं, वीडियो में पुलिस भी दिख रही है। सवाल यह है कि आखिर घटना के फौरन बाद इतने सारे लोग क्राइम सीन पर कैसे पहुंच गए? क्या इससे वहां मौजूद सबूत टेंपर नहीं हुए? क्या इसीलिए सीबीआई कोर्ट में खड़े होकर कह रही कि हम तो 5 दिन बाद गए, तब तक तो वहां पर पूरा क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो चुका था? क्राइम सीन बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है और एक एक चीज वहां एविडेंस हो सकती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने लोगों के सेमिनार हॉल पहुंचने से न जाने कितने एविडेंस तो खत्म हो गए, न जाने कितने मार्क्स मिट गए होंगे। क्या इसी तरह की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी? और क्या यह लापरवाही हुई है तो सीबीआई भी गुनहगारों तक पहुंच पाएगी या नहीं? यह वीडियो सामने आया तो कोलकाता पुलिस ने इस पर सफाई दी। कोलकाता पुलिस ने यह नहीं कहा कि यह वीडियो सेमिनार हॉल का नहीं है, बल्कि सफाई में क्या कहा कि जहां बॉडी मिली उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था, वहां सिर्फ आधिकारिक लोग ही जा सकते थे, वहां पर सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं, जांच के लिए कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। यानी कोलकाता पुलिस यह मान रही है कि सेमिनार हॉल का वीडियो जो सामने आया है वो सही है, साथ ही पुलिस यह कह रही है कि इस दौरान किसी भी तरह से एविडेंस से छिड़कानी नहीं, मतलब जहां पर डेड बॉडी मिली होगी उतना एरिया इन्होंने सिक्योर कर दिया। आपको कैसे पता कि उतना ही एरिया में सबूत है, आसपास कहीं नहीं है? सुनिए कोलकाता पुलिस क्या कह रही है, फिर बताऊंगा कि इस मामले में जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं वो कितने लोगों के हुए हैं और उसमें क्या निकल कर आने की बात होती है। कि जो सेमिनार हॉल था वो 51 फीट बाई 32 फीट का है और उसके अंदर जहां पे बॉडी थी वहां से लेके 40 फीट तक पूरा पुलिस का कॉर्डन ऑफ किया गया था। उस कॉर्डन के अंदर फैमिली, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फॉरेंसिक और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो कर रहे थे उनके अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वहां पे संभव हो ही नहीं सकता, ये हुआ भी नहीं है। जो 40 फीट है उसके बाहर का जो 11 फीट है उसमें काफी लोग बैठे थे। इस वीडियो में जितने सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं उन सभी के बयान सीबीआई ने दर्ज किए। सीबीआई ये पता कर रही है कि इतने लोग सेमिनार हॉल में करने क्या गए थे। ये वीडियो तो कोलकाता केस की जांच में हुई लापरवाही को दिखाने की बात कर रहा है। हालांकि अब जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने इस केस से जुड़े 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, उसमें क्या खुलासा हुआ वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ वो हैं कौन कौन। इस पूरे मामले में संजय रॉय जो रेप मर्डर का मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सौरभ जो मुख्य आरोपी संजय का दोस्त है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। संदीप घोष जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। आरजी कर के 2 मेडिकल स्टूडेंट, दोनों ने घटना वाली रात पीड़िता के साथ डिनर किया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का हाउस स्टाफ गुलाम जो घटना वाली रात 2:45 पर तीसरे फ्लोर पर गया था, यहीं पर सेमिनार हॉल है। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इंटर्न शुभदीप जिसने घटना वाली रात पीड़िता से बात की। इन सारे लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 4 लोग, जिसमें से 2 डॉक्टर, 1 हाउस स्टाफ और 1 इंटर्न शामिल है, इन सभी के बयान एक जैसे नहीं थे, कहा जा रहा अलग अलग बातें ये बता रहे थे, इसीलिए इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया। पॉलीग्राफ टेस्ट को कुछ लोग नार्को टेस्ट भी समझ रहे, जबकि दोनों अलग अलग टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन लगाकर सवाल पूछे जाते हैं और इस दौरान 3 तरह से सवाल किए जाते हैं, रेलिवेंट, इरेलीवेंट और कंट्रोल क्वेश्चन। अब जैसे संजय रॉय से क्या सवाल पूछे गए ये आपको बता दें। संजय रॉय से पूछा गया कि आपका नाम संजय रॉय है, तो वहां पे मशीन जो है वो बताएगी हार्ट बीट कितनी है, क्या सांस तेज तो नहीं हुई, बीपी तो नहीं बढ़ा, मतलब
पता चलता कि बॉडी में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। फिर पूछा कि क्या आप कोलकाता में रहते हैं, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे, क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, क्या आपने पीड़िता का रेप किया, क्या आपने पीड़िता का कत्ल किया, क्या आपने कभी झूठ बोला है, क्या टमाटर का रंग लाल होता है, क्या आप पीड़िता को जानते थे, क्या कत्ल में आपके साथ कोई और भी शामिल था, क्या कत्ल करने के बाद आप अस्पताल से भाग गए थे, क्या आपने पीड़िता के साथ पहले भी छेड़छाड़ की है, क्या आप पॉर्न फिल्में देखते हैं, क्या आप डॉक्टर संदीप घोष को जानते हैं, क्या कत्ल की जानकारी आपने संदीप घोष को दी थी, क्या आप पीड़िता के कत्ल से पहले रेड लाइट इलाके में गए थे, क्या आपका ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में टूटा था, क्या इन सारे सवालों के आपने सही जवाब दिए हैं। यानी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब हां या नहीं में दिए जाते हैं मोटे तौर। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब हां में दिए। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में किया गया, जो एक जेल। संजय रॉय जो कोलकाता रेप मर्डर कांड का मुख्य आरोपी है, उसके बारे में सूत्रों के मुताबिक अब तक की इंटरोगेशन रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, उसने क्या क्या कबूल किया है वो भी आपको बताता हूं। संजय रॉय ने कबूल किया है कि उसने ट्रेनी डॉक्टर से रेप किया और उसके बाद मर्डर किया। संजय रॉय ने कबूल किया कि 8 अगस्त की रात एक दोस्त के साथ शराब पी, इसके बाद संजय रॉय रेड लाइट एरिया गया, रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की, रेड लाइट एरिया से संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की और अश्लील तस्वीरें मंगाई। संजय ने कबूल किया कि वो करीब 4 बजे मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल पहुंचा, वहां ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी। संजय ने ट्रेनी डॉक्टर का मुंह और गला दबाया जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोश ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रेप करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। रेप और मर्डर के बाद संजय रॉय सुबह अपने दोस्त के घर जाता है और वहीं सो जाता है। संजय रॉय के अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। खास बात यह है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ 2 बार हुआ है। आज भी संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के सेशन होते हैं और CFSL की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। पहले सेशन में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए आज फिर से संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष से जो सवाल पूछे गए, उसमें क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे, क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप और मर्डर किसने किया, क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ, पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी, क्या वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई, अगर हां तो क्यों, क्राइम सीन के पास रिनोवेशन क्या आपने करवाया, अगर हां तो किसके कहने पर, क्या आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की, वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी, क्या संजय रॉय को जानते हैं, क्या 8 और 9 अगस्त को आप संजय से मिले थे। तो ये जितने सवाल पूछे जाएंगे उस दौरान मशीन लगी रहती और वो चेक करती है कि भैया इसका बीपी तो नहीं बढ़ रहा, हार्ट रेट तो नहीं बढ़ रहा, सांस तो तेज नहीं हो रही, क्योंकि मतलब अगर कई बार क्या है आप झूठ बोल रहे हैं तो सांस तेज हो जाएगी। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये संदीप घोष तो खुद डॉक्टर है, उसको तो पता है पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे सांस कंट्रोल करनी है, इससे कैसे सच पता चलेगा, लोग सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की अब तक की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीड़िता के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और मैसेज से पता चला है कि ट्रेनी डॉक्टर रात 2:45 तक जिंदा थी। पीड़िता की कजिन ने उसे मैसेज भेजा था। मैसेज का जवाब पीड़िता ने रात 2:45 पर दिया था, यानी 2:45 तक तो वो ठीक थी। एजेंसीज इस बात की जांच कर रही हैं कि मैसेज पीड़िता ने ही भेजा था या उसके मोबाइल से किसी और ने भेजा था। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल एविडेंस को खंगाला जा रहा है। इधर CBI पूरे मामले की जांच कर रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अलग ही पॉलिटिक्स में बिजी है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। अब इस चिट्ठी पर मोदी सरकार का जवाब आ गया। मोदी सरकार के मंत्री ने कैसे ममता बनर्जी को जवाब दिया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में पीएम को कहा क्या था, लिखा क्या था। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा था कि देश भर में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में रेप के बाद हत्या हो जाती है। यह देखना डरावना है कि देश में रोज लगभग 90 रेप के मामले होते हैं। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह लेटर लिखकर रेप के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की। लेकिन अब ममता के इस लेटर का जवाब केंद्र सरकार ने दिया। ममता बनर्जी के इस लेटर का जवाब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया।
और फैक्ट के साथ ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लिखा कि 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े प्रावधान किए गए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के मुद्दे पर लिखा है, देश भर में 30 जून 2024 को 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट दी गई थी, जिसमें 20 पॉक्सो कोर्ट भी थी, लेकिन जून 2023 तक इनमें से एक भी कोर्ट पश्चिम बंगाल में चालू नहीं हुई। बाद में रिवाइज टारगेट के तहत बंगाल को 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित की गई, जिनमें 30 जून 2024 को केवल 6 पॉक्सो कोर्ट काम कर रही। यह तब है जब पश्चिम बंगाल में रेप और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं, फिर भी राज्य सरकार ने बची हुई 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की दी हुई कानूनी योजनाओं का फायदा उठाते हुए बंगाल में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यानी कोलकाता रेप और मर्डर कांड के मुद्दे पर बंगाल के लोगों में नाराजगी है, और ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए, हमने तो आपको पहले ही दिन कहा था कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट मसला नहीं है, मुद्दा यह है कि यह बताया जाए कि देश में रोज 90 जो है वो रेप की घटनाएं हो रही। और यह नाराजगी ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा सकती है, जो पब्लिक की नाराजगी। इसलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पूरे देश में महिला सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन यहां भी वो खुद ही एक्सपोज हो गई, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत फास्ट ट्रैक कोर्ट बंगाल में वो शुरू ही नहीं करवा पा रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार कितनी गंभीर। लेकिन जब गंभीरता की बात हो रही तो अब बात अगले